नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के तहत उदयपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार शहर को प्रत्येक वार्ड में अलग अलग शिफ्ट में कई सफाई कर्मियों की नियुक्तियां सरकारी नियमों के अनुरूप कर रखी है। वहीं इन सफाई कर्मियों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कई इंस्पेक्टर, जिम्मेदार जयन अयन के साथ ही कई जिम्मेदारों की नियुक्ति भी की गई है और इन सभी नियुक्त जिम्मेदारों को सरकार के खजाने से एक मोटी राशि पगार के तौर पर दी जाती है। लेकिन इसके दूसरी ओर यह सभी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना बखूबी निभा रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले शास्त्री सर्कल का सामने आया है। वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक नाबालिग या कम उम्र का बालक निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर रहा है। ऐसे नज़ारे हालांकि बहुत से वार्ड में देखने को सामने आ सकते हैं जहां पर नियमों के अनुरूप सरकारी नौकरी में तैनात कर्मचारी अपनी जगह अपने रिश्तेदार या अन्य को छोटी मोटी राशि प्रदान कर अपना कार्य उससे करवा रहा होगा। ऐसा ही यह नज़ारा आप देख सकते हैं जहां पर यह कम उम्र का बालक तो निश्चित ही निगम की सरकारी नौकरी में तैनात नहीं होगा, वह सड़क की सफाई करने का काम कर रहा है। वहीं एक कचरा एकत्रित करके गाड़ी में डाल उसे कहीं ना कहीं निश्चित स्थान पर ले जा रहा है। एक और जहाँ जिला प्रशासन कई प्रशासनिक गश्त को तैनात कर बाल अपराध को रोकने का काम कर रहा है, वहीं निगम के जिम्मेदार अनदेखी के चलते निगम के सफाई कर्मी अपनी जगह बाल अपराध कराते हुए नजर आ रहे हैं। कि शहर में बढ़ते बाल अपराध को रोकने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने भी एक बड़ी अभियान या मुहिम चला रखी है जिसके तहत आए दिन किसी को न किसी को इस अपराध को कारित करने वालों को पकड़कर उनके सही ठिकाने पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उसके दूसरी ओर निगम जो कि स्वयं सरकार का एक महकमा है वह बाल अपराध करता हुआ या कराता हुआ नजर आ रहा है।